अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि फाइनली आज हम मंडी आ गए हैं ये देखने के लिए कि जानवरों के रेट क्या हैं और हमें कौन सा जानवर लेना है। सो अभी हम दुबई मंडी में हैं। ये देखें, अभी फ्रेंड्स के साथ आए हैं, तो अभी फर्स्ट टाइम आया हूँ इस सीज़न में, और देखते हैं कि क्या सीन होता है और किस टाइप के जानवर हैं, क्या प्राइजेज हैं। हमारे साथ रहें। अभी हमने शेड 97 के सामने ये गाड़ी लगाई है और यहीं से हमने शुरू किया है। यहाँ पे सिर्फ एक ही शेड में पाकिस्तानी माल है और ये 11,500 का डिमांड कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़े जानवर हैं और पाकिस्तानी हैं। भाई देखिए, ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई, यहाँ पे जानवर को लाते हैं और यहाँ से गाड़ी लगा के रिवर्स में जानवरों को उस पर चढ़ा देते हैं। भाई ये शेड जो है, इसमें जो है ना 6,500 के दाने हैं। सारे कोई सा भी जानवर ले लें तो वो 6,500 उसके प्राइस हैं। भाई माशाल्लाह ये जानवर भी बड़े प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, और ये 6,000 बोल रहे हैं लेकिन 5,500 तक में दे देंगे ना। ये जो रेवड़ी, इसमें 3600 धर्म का, 3600 धर्म का जानवर है। कोई सभी जानवर पसंद कर लें, 3600 का है। तो ये 3600 वाला रेवड़ है और ये बछड़ा 3600 का बता रहे हैं। शेड नंबर 78 है और 7,200 के ये हैं और माशाल्लाह काफ़ी हैवी हैं। अलबत्ता शुरू में जो है वो तो काफ़ी महंगे थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़े हैं तो अलग अलग प्राइस हैं। भाई दुबई वाली मंडी में गाय वाले सेक्शन में ये शेड 74 है। यहाँ पे काफ़ी मुनासिब जानवर हैं, हम पहले देख के गए थे और अब दोबारा यहाँ पर आए। भाई जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह हर जानवर के अलग प्राइस नहीं होते, बल्कि एक रेवड़ की सूरत में होते हैं और उसमें थोड़े बहुत 19-20 साइज़ का डिफरेंस होता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से वो साइज़ उसमें से कोई सा भी दाना चूज़ कर लें। तो ये 4,800 के बोले थे लेकिन 4,500 इन्होंने फाइनल किए हैं कि इस रेवड़ में से कोई सा भी दाना ले लें और 4,500 तक का दे देंगे। भाई ये कलर और डिज़ाइन हमें बहुत खूबसूरत लगा है, तो इससे हमारी फाइनली बात हुई है। ये 4,500 इन्होंने इसका फाइनल किए हैं, तो हम इसको पसंद कर रहे हैं। दो दांत का बछड़ा है। पान फरम हो गया तुम्हारा, दूसरा आदमी है हमको कंफर्म है भाई, हमारा आज तुम्हारा नहीं है, हो गया मार रंग मार, ए ओए रंग मार, रंग मार, नंबर मार, नंबर मार, नंबर लगा, नंबर लगा ले आ भाई आसिफ। पहला पहला दुकान है हमारा इधर से हो। हां हां तो चार ये देख मेरे को। हां यार माशाल्लाह भाई ये सीन है कि ये इतना खूबसूरत जानवर है। और यहां पे इस तरह होता है कि एक रेवड़ में ही सारे जानवर होते हैं मुनासिब साइज़ के, जिनके सेम प्राइस होते हैं। उनमें से जो सा भी जानवर आपको समझ में आता है, पसंद आता है, वो आप उसे डिसाइड कर लेते हैं, बुक कर देते हैं, और जब वो आप उसकी पेमेंट कर देते हैं या कंफर्म कर देते हैं वो जानवर, तो उस पर वो आपका इनवॉइस नंबर लिखते हैं। इस तरह जैसे लिख रहे हैं तो वो इनवॉइस नंबर इस पर लिखेंगे और इसके बाद इसको पीछे वाले रेवड़ में भेज देंगे। और पीछे वाला रेवड़ वही है जिसमें ऑलरेडी जानवर बिक चुके हैं, तो इनको पता होता है कि भाई हाँ, आप यहाँ से और जानवर नहीं लेने क्योंकि ये ऑलरेडी बिक चुके हैं। तो अब ये यहाँ पे इन्होंने इसका नंबर लिख दिया 10-74 इनवॉइस नंबर, और अब ये पीछे वाले रेवड़ में भेज दिया, तो पता है कि ये जानवर ऑलरेडी बिक चुके हैं। और भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह 4,200 में 16 टन हुआ है। ये जो खूबसूरत वाली गाय है, ये वाली गाय ली हमने, दो दांत की है, और यह है कि अमेजिंग पीस है,
तीन चार घंटे से मार्केट घूम रहे थे तो फाइनली ये समझ में आया ना। और हमारे साथ चैंपियन लोग हैं, तो भाई आप क्या कहना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में? बहुत घूमे हैं ये हमारे गाय स्पेशलिस्ट से लेके अभी तक फाइनली डिसाइड हो गया। अभी देखो अभी ये मेरे को अगर पहले बता देते तो आप अभी तक घर पहुंचे हुए। ये हमारे स्पेशलिस्ट हैं माशाल्लाह, आरिफ भाई आए तो हमारा सौदा बना, अल्लाह ताला इनको खुश रखे और इनकी बुजुर्गी की बरकत है उससे हमारी कुर्बानी कबूल करें। वसीम भाई तो आप बताइए क्या कह रहे थे आप, कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस हर साल की तरह बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस साल मज़ा यूँ आया कि इस साल हमारे बच्चे आए थे साथ, पिछली बार अकेले आते थे, इस साल हमारा बच्चा साथ आया तो एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा बच्चे के साथ। पर गर्मी थी तो थोड़ा सा पेट्रोल हमारा ज़्यादा हो रहा था। हाँ हमारा पेट्रोल ज़्यादा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा भाई। सब लोगों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए, जो लोग भी यूएई में हैं वो बहुत आसानी से पैसे पाकिस्तान भेज देते हैं, अपने मुल्कों में भेज देते हैं और नहीं कराते, लेकिन उन्हें खुद यहीं कुर्बानी करनी चाहिए, उन्हें ट्राई करना चाहिए। आया कि पसीना आ रहा है लेकिन फिर भी अच्छा एक्सपीरियंस है। छोटे जानवर जो है वो 2800 के भी हैं, 3400 के भी हैं, तो जो लोग भी मिला जुला के दोस्त यार शौक में करना चाहते हैं या फैमिलीज करना चाहती हैं वो आराम से कर सकती हैं, अच्छी मार्केट है और मुनासिब प्राइस हैं। क्या लगा था इसको भी दिखाने आना था और माशाल्लाह से अच्छा मुनासिब जानवर मिला है। और अभी हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, गाय के अलावा दो बकरे भी करने हैं मैंने पर्सनली, लेकिन यह है कि वो दूसरे दोस्तों के साथ आऊँगा और मे बी कि वो हम शारजा की मार्केट को भी चेक करें, क्योंकि कुछ दोस्त कह रहे हैं कि एक दुम्बा हो और एक बकरा या शायद दोनों बकरे, तो उसका भी दिखाएंगे बताएंगे। लेकिन जो लोग भी भाई यहाँ हैं और कंफ्यूज्ड हैं उनके लिए ये वीडियोस हैं कि प्लीज़ ट्राई करें। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोगों ने गाड़ी का सीन ऑन हो गया और हमारे साथ चैंपियन लोग थे भाई अपना इस बहुत बुरी हालत हो गई है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हुई है। और ये हमारे वसीम भाई माशाल्लाह हमारे परचेजिंग स्पेशलिस्ट, और हमारे साथ अगर किसी जूनियर वसीम भी थे, सस्ती गाय चाहिए तो अगर वो कमीशन देगा 200 दिरहम तो मैं दिला दूँ, 5000 वाली गाय 4000 में दिला दूँ, 800 को प्रॉफिट होगा 200 मुझे देना पड़ेंगे। और गाय के अलावा अगर गाड़ियाँ चाहिए तो मैं बगैर कमीशन के दिला दूंगा, कमीशन टॉप मॉडल हुआ टॉप। हाँ यही तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब फॉर माई यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स। थैंक यू।